बलरामपुरा में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़क में ठेकेदार की मनमर्जी से नहीं की पानी की निकासी, गांव में भरा पानी, ग्रामीण परेशान। खबर बैराड़ तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बलरामपुरा से है, जहां पर करीब दर्जन भर ग्रामीण तहसीलदार को ज्ञापन देने बैराड़ तहसील पर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बताया है कि उनके गांव बलरामपुरा में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क निर्माण का कार्य बंसल कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा लिया गया है, जिसमें सड़क निर्माण कार्य ठेकेदार सुग्रीव सिंह यादव द्वारा अपनी मनमर्जी करते हुए गांव से बाहर पानी की निकासी नहीं होने वाले रास्ते को सड़क निर्माण करते समय बंद कर दिया गया था। इस विषय में ग्रामीणों ने ठेकेदार सुग्रीव सिंह यादव को भी बताया है कि अगर पानी की निकासी नहीं होगी तो पूरे गाँव में घुटनों तक पानी भर जाएगा, लेकिन ठेकेदार ने ग्रामीणों की एक भी नहीं सुनी और मनमर्जी करते हुए सड़क निर्माण कार्य करा दिया गया, जिसका खामियाजा बलरामपुरा के ग्रामीण भुगत रहे हैं, जिसके बाद ग्रामीण हार मानकर बैराड़ तहसील में तहसीलदार को ज्ञापन देकर ठेकेदार के विरुद्ध उचित कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। बैराड़ से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। बीरबल, कहाँ से आए आप? बलरामपुरा से। क्या कुछ मामला, कैसे आए आप तहसील पे आज? हम सभी गाँव के बलरामपुरा से आए हैं। हमारे गाँव में पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का निर्माण कराया गया है, जिसमें ठेकेदार बंसल कॉन्ट्रैक्टर है, जिसका काम सुग्रीव यादव करा रहा है। सुग्रीव से कई बार ग्रामीणों ने कहा है कि गांव में पानी भर जाएगा, पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए, लेकिन सुग्रीव ठेकेदार द्वारा मन मर्जी करते हुए सड़क निर्माण करते समय पानी की निकासी की कोई नाली या व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे करीब 4-5 दिन से हमारा गाँव बलरामपुरा पानी भरने से घुटनों और कमर तक पूरे गांव में पानी भर चुका है, जिससे सभी लोगों का, पशुओं का भी चारा भूसा खराब हो चुका है और करीब 1-2 पशु मर चुका है। साथ ही सरपंच सरदा दौलतराम धाकड़ से भी कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, मरो और भुगतो, हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए तहसीलदार साहब को इस विषय से अवगत कराकर उचित कार्रवाई की मांग करते हुए इसलिए तहसील पर आए हुए हैं। आप लोग क्या चाहते हैं? हमारा निराकरण किया जाए। तो सरपंच सेक्रेटरी से आपने बात की तो वो क्या कहते हैं? वो तो कहते हैं कि हम क्या करें। अच्छा, और ठेकेदार से क्या था आपने, तो वो क्या कह रहा है? ठेकेदार से 50 बार बोल चुके हैं, ठेकेदार कहता आज हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो सभी लोग आए हैं आप? सभी लोग आए हैं। पानी भरी हुआ पूरा आई थे पानी अखरे अखरे पानी गन्न में घुस कर आ गया 40 क्विंटल तो। अच्छा, सुनी नहीं रो सब, ना तो सेक्रेटरी ना सरपंच, दो बजे तो तहसील पे आ गए, कोई मिलता ही नहीं है, खा कर कौन कहाँ जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं साहब, पुलिया बन जाए तो पानी निकल जाए और निकासी की जगह पे, तो हमें गाँव में पानी नहीं आगे। तो कितना पानी भर चुका है आपके? पानी भर रहा खरिया खरिया साहब। अच्छा, तो आप घर में कुछ होगा पानी? घर में पानी भर चुका है। बैठे बैठे हो तो मोड़ी बचा। क्या मामला, तहसील पे कैसे आए आप? साहब तालाब में पानी भर रहा है। अच्छा, इसलिए हम लोग से चाह रहे हैं रपड़ा या पुलिया कुछ भी बन जाए तो हमारे पशु को हमारे घर बच जाएंगे। तो तालाब में पानी भर गया तो उसके गांव में भी पानी भरा है? गांव में बिल्कुल पानी भरा है। कितने तक पानी भरा है वहाँ? इतना कमर तक भर रहा है। ठेकेदार से कही आपने अगर निकासी की तो वो क्या कहता है? ये कहता है बनाऊंगा, 4 महीने हो गए। क्या नाम है ठेकेदार का? सुग्रीव है। और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बोला है पानी आएगा जब बना देंगे। अच्छा, पीडब्ल्यूडी का अधिकारी है, उससे कई बार मेरी बात हो चुकी है, उसने अभी तक कल बोला था, उसने आज हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ। गांव में बिल्कुल परेशानी है, हमारा निराकरण किया गया है। आपके गांव में सरपंच कौन है? सरता दौलतराम धाकड़। वो क्या कहते हैं इस मामले में? वो तो कह रहे मरो या कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मना करते, नहीं बनवा रहे? नहीं बनवा रहे। अच्छा, हाँ।